के पंडरी ग्राम में आग लगने से 7 मकानों को भारी नुकसान हुआ है। सूचना पर सितारगंज उपजिलाधिकारी तुषार सैनी समेत अग्निशमन पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। अग्निशमन की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि फिलहाल प्रथम दृष्टया जो है वो शॉर्ट सर्किट या सिलेंडर से आग लगना बताया जा रहा है, और आपको बता दें कि बाकी मौके पर ही जानकारी ली जा रही है कि कितना नुकसान हुआ है। सितारगंज से अमर सिंह यादव की रिपोर्ट। जो है घर की चिंगारी, चूल्हे की चिंगारी से आग भड़की और जो है यहाँ पर पन्नी से दूसरी झोपड़ियों में भी लग गई। इसमें दो बच्चे फंस गए थे जिन्हें हमारे कर्मचारियों द्वारा जो है निकाला गया है बाहर, सकुशल निकाल दिया। लगभग अब अग्नि के की चपेट में आए हैं और जान का तो कोई नुकसान नहीं है। 3 बच्चे फंसे हुए थे जिनको निकाल लिया गया है, बाकी जो प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है और अभी कारणों की जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टि ऐसा लग रहा है कि सिलेंडर और शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। बाकी पुलिस की राजस्व की टीम हमारी मौके पर है, जो भी मदद हो सकती है नियमानुसार वो हम तत्काल प्रोवाइड करेंगे।